सीहोर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्कर के पास से पुलिस ने 150 किलो गांजा भी बरामद किया है। ये पूरा मामला सीहोर के थाना नसरुल्लागंज का है, जहां मुखबिर की सूचना पर नया गांव निवासी पर्वत सिंह को 150 किलो गांजा, मोबाइल और नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया। तो वहीं गांजे की कीमत 15,000 रूपये बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी नसरुल्लागंज से नया गांव की तरफ गांजा लेकर जा रहा था, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। गांजा तस्कर ने बताया कि वह पैसा कमाने और अमीर बनने के लिए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करता था। तो वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस मुख्यालय और वरिष्ठ अधिकारी द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नशे संबंधित जितनी भी है उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में नसरुल्लागंज पुलिस ने नया गाँव से एक जो ड्रग्स और ये गांजा पेडलिंग करता है उसको पकड़ा था। इसमें लगभग 1500 ग्राम उसके पास गांजा था।